अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार, हमारी छत पर आज से ताला लगा हुआ करेगा, क्योंकि यार हमारा जो शयान है ना, उसको फाउंटेन और मछलियाँ इतना पसंद आ गए हैं कि वो क्या करता है कि जो ही देखता है छत खुली हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो फौरन वो फाउंटेन में आता है और मछलियों के साथ बातें करता है और साथ में नहाता है मछलियों के साथ, जिसकी वजह से यार हमारी मछलियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है यार, ये बहुत नुकसान भी हो सकता है हमारा। तो फिर मैंने क्या सोचा कि छत पर ताला लगा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे परिंदे यार शयान की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो ये हल हमने निकाला है। तो फिलहाल यार अभी शयान गए हुए ट्यूशन, तो अभी तो हम रिलैक्स यहाँ पर रह सकते हैं, नहीं तो फ़ौरन वो ऊपर आता और मछलियों के पास बैठ जाता और उनको तंग करता रहता। और अभी सिप्तान यार पौधों को पानी दे रहा है, क्योंकि जब से हमारे पौधे आए ना, हमने पानी नहीं दिया था, बारिश वगैरह हुई थी तो इनको ज़रूरत नहीं होती थी पानी की। तो आज बहुत ज़्यादा यार गर्मी थी, जिसकी वजह से आज हमें लगा कि पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पौधे यार माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर, ना इनको कोई मुर्गियाँ छेड़ती हैं, ना इनको कोई और मसला होता है, ठंडी ठंडी जगह है तो इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यार हमारी मछली भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है, फाउंटेन में बहुत एक्टिव है। बस यार मैं दुआ कर रहा हूँ कि यार हमारी मछली ना सारी फिट रहें, इनको कुछ हो ना, क्योंकि मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। आज कल परसों बहुत सारे कमेंट्स यार ऐसे आए हैं जो जिसको मैंने पढ़े हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार हम मछलियों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मछलियों के पास ना ऑक्सीजन पंप लगा हुआ है ना, और कुछ कह रहे थे भाई, काफ़ी बहुत कुछ कह रहे थे। तो लेकिन यार हमारी मछली फ़िट हैं, मैंने जिनसे लिया था ना उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर आपका फाउंटेन बड़ा है तो कोई इशू नहीं, आपकी मछलियाँ पल जाएंगी। और देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों कितना खुश हो के भाग रही हैं माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि यार ये हमारे फाउंटेन में बहुत ही अच्छे मूड में रह रही हैं अभी। और वो देखूँ नीचे, देखें आप बिल्कुल पत्थरों के पास खड़ी हुई हैं और अपना कुछ बातें बातें कर रही हैं, बहुत ही हैप्पी हैं यार। और ये मुझे काफ़ी भाई कह रहे थे कि भाई ये जो ब्लैक वाली है ना, ये मूली फिश है और ये आपके फाउंटेन में बहुत जल्द बच्चे भी दे देगी। और मुझे फिर पता चला कि यार ये जो मूली फिश है ना, ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती है डायरेक्ट। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, आपके कमेंट से मुझे पता चला कि ये मछली जो है ना, ब्लैक वाली मूली, ये डायरेक्ट बच्चे देती है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। तो अब यार हम अपनी फिशेस को ना अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा और रुक जाओ, शाम को यार कमेंट्स पढ़े थे मैंने भी पढ़े थे और मैंने डाल भी दी थी थोड़ी देर पहले, सुबह तुमने डाली थी, शाम को मैंने डाली। तो यार बहुत सारे भाई हमें कह रहे थे कि भाई मछलियों को ना सुबह शाम खुराक दिया करें, एक टाइम ना दिया करें। तो मैंने फिर सोचा कि यार चलो जी, सुबह मैंने डाल दिया, शाम को मैं डाल दूँ, लेकिन सिप्तान बोले मैंने डाल दी है, तो खैर कोई नहीं, ये हम वापस रखते हैं और सुबह फिर हम खुराक इनको डालेंगे। ये देखो इस कबूतरी के दो अंडे थे लेकिन यहाँ पर तीन आए हुए हैं, बस किसी ने दे दिया होगा, इनका पता नहीं क्या सीन है यार, समझ नहीं आ रही, कोई कबूतरी चार अंडे दे रही है, कोई कबूतरी तीन अंडे दे रही है। मुझे तो लगता है यार ये एक दूसरे के घरों में जाती हैं और अंडे दे के आ जाती हैं, मुर्गियों वाला सिस्टम हुआ पड़ा है इनका, ये अपना नेस्ट नहीं बनाती और जहाँ इनका दिल करता है अंडा दे देती है और चली जाती है, उनकी पेट भी यार खास नहीं कर रही यार ये सिप्तान। और हमारी बच्चों के बच्चे यार, हमने इनको मास्टर किड में दोबारा छोड़ दिया था, कल आपने देखा था कि हमने छोटे से पिंजरे में इनको शिफ्ट किया था, लेकिन हमने इनको फिर मास्टर किड में छोड़ दिया था, क्योंकि वो जगह बहुत तंग थी इनके लिए, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये तंग जगह पर रहे, थोड़ा सा इनको खुले माहौल में रखना चाहिए यार। वो देखो कौन सा परिंदा है यार, वो हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड यही होता है? हाँ यही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत छोटे यार, इतना सा है, दो इंच का भी नहीं है। वो भाई आम खा रही है, मजे कर रही है। तो यार अब हम जा रहे हैं मार्केट और हमने लेने हैं बजीज, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स मिलते हैं कि भाई बजीज लेकर आए, और मैंने सोचा यार आपका भी दिल करता है और मेरा भी तो बहुत दिल करता है बजीज लाने को। तो अभी जा रहे हैं हम यार बजीज लेने, और उनका हमने हल भी निकाला हुआ है कि हमने उनको कहाँ पर रखना है, ना ही वो किसी परिंदे को तंग करेंगे और ना ही हमें तंग करेंगे, हमें भी काटते हैं वो। यहाँ पर यार प्यारे प्यारे कबूतर भी हैं और बजीज का एक पैर ले रहे हो तो आप, जगह नहीं है ना, जगह आराम से नहीं बोल सकते। चुप, बिल्कुल चुप। हमारे पास जगह कम है जिसकी वजह से हम दो ही ले। भाई वो कौन सा डायनासोर है यार, अब नहीं बोलूं ठीक है यार। वो जो चीले है ना, ये वाला, वो सामने बैठी हुई है मादा। तो यार हम एक पेयर ले रहे हैं, अभी इसको टेस्ट कर रही है, टेस्ट ड्राइव समझे। तो देखते हैं कौन सा लेते हैं, बहुत सारे इसमें यार प्यारे प्यारे हैं, एक पैर निकालते हैं हम। तो आपको मेल फीमेल का पता है, मुझे नहीं पता, वो निकाल लेगा। जब तक मैं कबूतर देख लेता हूँ यार, प्यारे प्यारे कबूतर हैं यार यहाँ पे, मोटे मोटे ताज़े ताज़े, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ, काटा ना, काटते हैं भाई इसकी वो कैथेली।
थैली ले जल्दी जल्दी, थैली थैली ले, उड़ जाएगा भाई। एक डाल दिया हमने जी, येलो कलर, और भी येलो लेना है और देखते हैं कौन सा लेना है। ले लो जो लेना है। ये ना हो कि इधर से तुम उड़ा दो फिर डबल पैसे देने पड़ जाए। डालो काटता है हंस रहा है। ले लिया गैरी, जरा मैचिंग नहीं हो रही तो हम ये जो ग्रीन वाला ना इसको कैंसिल करा रहे हैं, इसकी जगह पे हम येलो ले रहे हैं। बच्चे को काट रहे हैं भाई, ये कैसा परिंदा है यार, काटता है अपने मालिकों को, काटता है ये, जिस थाली में खाता है उसी में काटता है। ठीक है बस यही दो जो लिए थे। चलो यार कोई और हमें मिल नहीं रहे थे अच्छे, तो हम अभी यही ले रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हम नॉर्मली ले रहे हैं, बाद में जब ज़्यादा लेंगे ना इनकी पूरी कॉलोनी बनाएंगे फिर अच्छे अच्छे लेंगे हम। आ जाओ तो आप। तो यार हमने बजीर ले ली हैं और अब हम घर जा रहे हैं और इनको अपने नए घर में छोड़ते हैं। आ जाओ सितन, चलो आ जाओ। कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं लाए हम, कुछ भी नहीं लाए। दिखा दो क्या होगा। इसको पता है यार, उड़ना जाए भाई, ख्याल करना। चलो भाई। तो यार ये हैं हमारे बजीज और बहुत ही क्यूट हैं, और ये वाली जो फीमेल है ना ये बहुत प्यारी लग रही है यार मुझे, प्योर येलो है और बहुत खूबसूरत लग रही है, और ये वाला ग्रीन है ना ये मेल है, तो अलग करेगा यार इनका पेयर बन जाएगा। और जो अब इनका मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ ना, इनका घर है बस। ये रह लेंगे यहाँ पर, मतलब खुश ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि घर थोड़ा सा तंग है, लेकिन ये रह लेंगे। तो ये वाला है घर इनका, और कल आपने देखा था डक्स थी इसके अंदर, लेकिन डक्स यार तंग हो रही थी ज़रा, मैंने फिर सोचा यार डक्स को मास्टर केज में छोड़ देते हैं, और अब बजीद हम छोड़ रहे हैं इनके अंदर। और यार सितैन क्या लगता है, पल जाएंगे यहाँ पर? क्यों नहीं पलेंगे भाई, उनका माहौल ही ऐसा होता है छोटे घरों में। बस ये गया सही, इसको बंद। ये ना हो गया भाई, आते साथ ही वापस चले जाए। हाँ अभी दूसरा डालो, मैंने हाथ डाला हुआ है। हाँ चलो दूसरा निकालो, ऐसे ही। ओ सितैन खोल। काटा मैं खून। एक मिनट यार क्या हो गया, खोल सितैन जल्दी खोल। मैं क्या करूं बताओ, ये देखें यार एक ये निशान है इसको, ओए, और एक यहाँ पे बड़ा गंदा काटते हैं यार ये लोग। अच्छा तो अब यार इनको मैं खाना डाल देता हूँ, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो ये हम बाजरा और गंदम का दाना, देखते हैं यार ये खाते हैं या नहीं खाते। अब पानी भी रखना है सिपैन, वो भी रखते हैं यार, लेके आ जाओ तुम पानी बल्कि। चलो जाओ ये दो मुझे, मैं एक जुगाड़ करता हूँ, ये जुगाड़ हो सकता है। ये ले ली, पानी भी आ गया, ये लो। मास्टर केज में रख दो, मैं कहूँगा मास्टर केज में रख। हाँ ऐसे ही, चलो ठीक है, पिंजरे के साथ। ये गया, चलो उठाओ। चलो यार ये गया जी, ऐसे शाबाश, वेरी गुड, फिट हो गया भाई, फिट हो गया यार। इन कबूतरों का क्या करना है यार, ये तो नेस्टिंग कर रहे थे, कर रहे हैं अभी यार कबूतर हमारे नेस्टिंग करते हैं, लेकिन ये देखो ना इन्होंने इकट्ठी भी करना शुरू कर दिया, लेकिन ये जो टोकरी है ना ये टेढ़ी हो जाती है ऐसे ही, तो इनका मैं सोच रहा हूँ कि इन कबूतरों को यार यहाँ से हटा दें या यहाँ पर रहने से। अब तुम बताओ भाई, मैं तो कहूँगा हटा दो इनको, क्योंकि वैसे भी ऊपर कबूतर कहाँ पाल सकते हैं बच्चों को, वो नीचे जगह का मसला है ना यार, वहाँ पर कोई कबूतरी किस खाने में अंडा दे रहे थे, कोई कबूतरी किस खाने में अंडा दे रहे थे, इससे फिर क्या होगा कि ये कबूतर अपने अंडे सही से इनक्यूबेट नहीं कर पाएंगे, ये भी है ना। अच्छा तो फिर यहीं पे रहने दो, अभी तो शाम हो रही है, सुबह इनका प्रॉपर एक घर बनाएंगे, ये वाली टोकरी जो नीचे गिर जाती है ना इस टोकरी को फिर सेट करेंगे, टाइट करेंगे, ताकि ये कबूतर आराम से यहाँ पर बैठ सके, इसको कोई मसला ना हो, ठीक है ना। ठीक है, अभी ऐसे रहने देते हैं यार कबूतरों को, और हमारी गोल्डन, क्या हुआ, कुछ नहीं यार, हमारी गोल्डन फिंचेस और हमारे स्ट्रॉबेरी फिंचेस भी बहुत खुश है, और हमारे डव के बच्चे आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले इधर ही आ गए, और हमारे डव देखें दोस्तों डायमंड डव, अब ये दोनों अब एक साथ ही रहती हैं, और मुझे लगता है कि यार ये पेयर भी बन जाएगा, ये देखें ना ये इसका बच्चा था यार, अब ये मुझे नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, लेकिन बहुत तेज है ये और बहुत ही होशियार है ये,
यार चलें इनको अपने हाल पर छोड़ते हैं, ये उड़ते रहेंगे इधर ही और हम जाते हैं अब बाहर। और खैर यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं यार, ये थी आज की हमारी वीडियो, तो मिलेंगे चल कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।